हरियाणा के फरीदाबाद में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पर 19 साल के लड़की की मौत मार दिया गया, क्या डेथ मार्कर के बाद में पता चला कि वो जो है उसको नहीं है, इस पर क्या कहना है? आप ये क्यों नहीं बोल रहे कि मारने वाले ये बोल रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने अपने एक ब्राह्मण समाज के बच्चे गोली मार दी? या पूरा बोलो ना, क्यों आपको डर क्यों हो रहा है आपको? इसीलिए किसी शायर ने बड़ा सही कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे सब घर जद में, यहां पर हमारा मकान थोड़ी है। अब अफसोस की बात यह है कि उन जालिमों को एक मासूम बच्चे की जान लेने के बाद कह रहे हैं कि हमारे से गलती हो गई, हम एक ब्राह्मण को गोली मार दिए। अरे तुम एक इंसान को मार रहे भाई, उन्हें ब्राह्मण हो हिंदू हो मुसलमान हो, उन्हें इंसान है। ये लोगों को, ये जो सो कॉल्ड गाय रक्षक हैं, ये राक्षस हैं, इनको हरियाणा की सरकार ओपन छूट दे चुकी है, इनको रोक ही नहीं लगा रही। इनके पास वो बंदूक कैसे आई? किस अगर आर्म लाइसेंस दिया तो किसने दिया उनको आर्म लाइसेंस? वेपन कैसा है उनके पास ये, और कैसा वो किसी को रैंडमली कैसा रोक रहे हो? लोग रोड पे रोक रहे हो, बच्चा नहीं रोका निकल गया, गोली चला दी ऊपर उसके ऊपर। एक माँ अपने एक भाई अपने घर में एक बच्चा की मौत हो गई, चाहे वो किसी मजहब का हो। तो ये हरियाणा सरकार जो है इस तरह के राक्षसों को प्रमोट कर रही है, इनको वेपन्स दे रही है और उनको रोड पे खड़ा कर रही है। क्या पुलिस क्या अपना इन अपनी ड्यूटीज क्या पुलिस हरियाणा इनको दे चुकी है क्या? दो बच्चों का जो जिंदा जला दिया गया था राजस्थान के, उसके बावजूद भी वो लोग इन तमाम विजिलेंटीज को कानून अपने हाथ में ले दिया और जान जाने चली आ रही है लोगों की।